वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़े बजुर्गां नूं तुसीं अपने स्क्रीन ते देख रहे हो, बहुत ही माड़े हालातां दे विच हत्थ च सोटी फड़ी बैठे आ, ये बापू महेंद्र सिंह जी ने। ते जिहड़े नाल बैठे ने चिट्टे कुड़ते पजामे च, ओह उस टाइम दी मेरी कलजुगी इंसान दी तस्वीर आ, जदों गुरु साहब दी कृपा नहीं सी होई हजे तिकर। ते सच्चे पातशाह ने उस टाइम 2016 दे विच बापू महेंद्र सिंह जी की सेवा बख्शी सानू, पैल तो बीजा पैल साडे इत्थे नेड़े पैंदा है एरिया, उत्थों लैके आए सी बापू जी नू। बापू जी किसी टाइम इतना दसा नौहां की किरत करके प्रशादा पानी छकन वाले इंसान सी, लकड़ी का काम करते सीगे ते हत्थीं किरत करते सी बापू जी, ते लोकां दे घरां दे विच जाके काम करना, लकड़ी का होका दे के पिंडा पिंडा दे विच, ते अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करना। दो बेटे सी बापू जी दे, एक बेटा मंदबुद्धि आ जिहनूं लोग कोल्हू दे बैल वांग हर रोज़ जोतते रहिंदे आ, ते ना उहनूं प्रॉपर उहदी मेहनत दित्ती जांदी आ। ते एक जिहड़ा बापू दा पुत्त जमा सही आ, जिहड़ा पढ़िया लिखिया बापू ने पढ़ाया लिखाया सारा कुछ कीता, उहने अपना विआह कराया, उह घर छड्ड के पता ही नहीं कित्थे जाके रहिण लग गया, क्योंकि बापू फिजिकल डिसेबल हो गया सी, चलण फिरन तों असमर्थ हो गया सी। तो वह वीर नूं भी बेनती करते हैं भी इस टाइम बापू महेंद्र सिंह जी बहुत माड़ी हालात के दीपक हस्पताल से दाखिल ने, इन्हां दी सिहतयाबी लई अरदास भी करो। तो इन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं भी बेनती करते हैं भी जरूर बापू जी नूं मिल के जाओ, पिछले 3 साल 3.5 साल च कोई भी मिलन नहीं आया चज्ज नाल, ते प्लीज़ बापू जी की सिहतयाबी लई अरदास करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।